साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज साथियों नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज के दिन में दो बंदों ने मेरे से कांटेक्ट किया। दोनों बंदे कुवैत से रिलेटेड थे। कुवैत पे मैंने एक दो वीडियो पहले भी डाले थे। बहुत ही मेरे हिसाब से अब ज्यादा लोग एक्टिव हैं कुवैत की तरफ। ठीक है, वहां पे एक तो सीवी सिलेक्शन में जॉब आता है, शटडाउन का जॉब आता है, तुरंत आपको तीसरे चौथे दिन 10वें दिन 15वें दिन आपको वीजा लोग पकड़ा देते हैं। पैसा इतना कम कि आप तुरंत उसकी तरफ एट्रेक्टिव हो जाते हो, यानी 30 से 35 40 हजार के बीच का ये काम आपका होता है। अब भाई दुबई जाओगे तो कोई 70 मांगता है, कोई 80 मांगता है, कोई 90 तक पहुंच जाते हैं। मैं दुबई में देखता हूँ लोग एक एक 1 लाख 20 20 हजार भी लोग दुबई में देके बैठे हैं, और कुवैत वाला काम 40 हजार में मिल रहा है, सैलरी दुबई से डबल। तो आपका भी माइंड कहीं ना कहीं उधर भागेगा, समझ रहे हो बात को। तो मेरे पास दो बंदों ने कांटेक्ट किया। एक बंदा हमारे लोकल राजस्थान का मेरे पड़ोसी है, कुवैत का। उन्होंने जॉब सिक्योरिटी गार्ड में 9th यानी साल भर का जो वीजा होता है, शटडाउन वीजा, उन्होंने वहां पे शायद कहां अप्लाई किया, उन्होंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अप्लाई कर दिया, उनका वीजा भी आ गया। वो वीजा नंबर वाले वीजा की बात मैं कर रहा हूं। अब उनको ये बोला जाता है आपका वीजा आ गया, पेमेंट जमा कराओ और मेडिकल कराओ। चेन्नई ऑफिस है, ठीक है, बंदा राजस्थान का है, मेडिकल उसको भेजते हैं दिल्ली। चेन्नई से कितना डिस्टेंस आता है दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली मेडिकल कराओ। और अगर देखिए क्या होता है कि कुवैत के दो मेडिकल होते हैं, एक नॉर्मल मेडिकल होता है, एक हार्ड मेडिकल, सॉफ्ट हार्ड कॉपी के साथ वीजा नंबर आने के बाद गमका में होता है। अगर गमका मेडिकल होता है तो 6,062 रुपये लगते हैं। 4,000 में दुबई कुवैत का कौन सा मेडिकल होता है भाई? कोई मेडिकल 4,000 में नहीं होता। मैंने उसको बोला यार अगर तेरे को कुवैत का मेडिकल नॉर्मल करवाना है तो मैं एड्रेस देता हूँ, 700 800 रुपए में तेरा नॉर्मल मेडिकल हो जाएगा। उसने उसको बोला तो बोला नहीं दुबई वहां जाओ, दिल्ली जाके 4,000 में मेडिकल कराओ। ये कौन सी बात हो गई भाई? एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक बंदा बिहार का बंदा यहां पहुंचा, हरियाणा में कोई ऑफिस उसने बताया। 3 4 महीने से फेसबुक पे उसके मैसेज ऐड वगैरह आ रहे थे तो उसने कांटेक्ट कर लिया। इलेक्ट्रिशियन का जॉब कुवैत का 270 KD सैलरी, यानी कुवैती दिनार 270 KD इलेक्ट्रिशियन में मुझे नहीं लगता कोई कुवैत में देगा। ठीक है, 40 हजार में मैटर डन हो गया। बंदे को वीजा पकड़ा दिया, 40 हजार रुपये ले लिए, 10 दिन से फोन बंद। यानी ये बात वही आ जाती है कि सैलरी सही देखा जाए तो कुवैत का 125 130 तक सैलरी मिलती है इलेक्ट्रिशियन में। कहीं खाना दे देते हैं 20 KD तो 150 मान लीजिए, इससे ऊपर सैलरी कुवैत में इलेक्ट्रिशियन की नहीं मिलती। बिना बंदे का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है, पासपोर्ट अपने पास है, सिर्फ स्कैन कॉपी करके फोटो डाला और कुवैत का वीजा अगले को पकड़ा दिया। कोई मेडिकल नहीं, डायरेक्ट वीजा दे दिया, 40 हजार रुपये ले लिए, 10 दिन से फोन स्विच ऑफ। समझ में आ रहा है ये क्या मैटर है? वही है, मैंने उसको बोला कि भाई अब वो फीस मुझे डाली, मैंने उससे बात करी, देखा सिस्टम को, तो बोला सर ऑफिस वाला फोन बंद क्यों कर रखा है। अब भाई मुझे क्या पता फोन बंद क्यों कर रखा है, कहीं ना कहीं अगले के मन में खोट होगा। 10 दिन से एक दो दिन चलो बंद रह जाता है, कोई रीजन हो जाता है और बहुत सारे मैटर हो जाते हैं। 10 दिन तक फोन रहने का बंद रहने का मतलब है कि अगला 40 40 हजार अगर 20 30 50 लोगों से लिए हैं तो उसके तो 15 20 लाख रुपए बन गए। उसको कहाँ जरूरत है ऑफिस कॉल के बैठे रहने की और आपकी बातें सुनने की। अगला तो अपने काम लगेगा, कोई उसका एड्रेस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। ये होता है कुवैत के नाम से, ठीक है ना? तो थोड़ा सा गौर कर लीजिए, ये वीजा नंबर लेके आप पैसा देना बंद कीजिए लोगों को। वीजा नंबर, कुवैत का वीजा लेना कितना का आसान है, वीजा नंबर होता है, वो वीजा नंबर लेके आप गमका में जाओगे तो मेडिकल होता है। अब मेरे बंदे को बोला है तो ये मेडिकल करवाना तो दिल्ली क्यों करवा रहा है, हम राजस्थान के हैं, जयपुर, राजस्थान का गम का जयपुर होता है तो जयपुर से करवाना। अपने ऑफिस वाले को बोल कि मैं 4,000 नहीं, मैं 6,200 रुपये दे के राजस्थान में मेडिकल कराऊंगा, गम का जो गवर्नमेंट मेडिकल होता है। अगर वो बंदा सही है तो वो करवाएगा, वो करवाओ ना मेडिकल। दिल्ली का क्या मतलब होता है, चेन्नई की ऑफिस दिल्ली मेडिकल करवा रहा है, बंदा राजस्थान का है, 3 स्टेट हो गए। जबकि राजस्थान का, राजस्थान हम स्टेट लेवल पे गम का होती है सबको पता है, तो वहां करवाओ ना मेडिकल। लेकिन ये झोल झाल है भाई, तो देख लीजिए। अगर आप भी कुवैत से रिलेटेड कहीं अप्लाई कर रखे हैं तो भाई थोड़ा सा गौर कर लीजिए, ठीक है ना? कुवैत के वीजा आ जाते हैं मेरे मोबाइल पे 8 10 रोज आ जाते हैं, हालांकि फीस नहीं देते, एक आधा कोई बंदा फीस देता है, उनसे मेरी बात हो जाती है। इन दोनों बंदों ने फीस डाली इसलिए मैं आपके इस बात, ये इनसे मेरी बात होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप भी ध्यान दे लीजिए। शायद मैंने इंक्वायरी दी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा लें, ताकि इसी तरह की रोज आपको इंक्वायरी सही तरीके से मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।